हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है नायका स्टोर से। यहाँ पे हम आए हुए हैं, हमें कुछ लेना था प्रोडक्ट्स। डे वगैरह हमें याद नहीं है, बस क्लिप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अंदर जाने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि क्लिप आप शूट नहीं कर सकती हैं। फिर रात में ही सडनली प्लान बना मेरा मैक्स जाने का। हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ ऑफ चल रहा है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, तो सारे जगह सेल लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और हमने अपने लिए तो जो जो लेना था वो ले लिया है। अब आए हैं ऊपर के सेक्शन में कि शायद स्वेल के लिए कुछ बेटर मिल जाए, बट मेंस में अच्छे ऑप्शंस नहीं थे तो वो हमने स्किप कर दिया है। और हम शॉपिंग करते जा रहे हैं, लेकिन क्या क्या ले रहे हैं वो हम आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के एंड तक में ना हम वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो जो अब तक हमने खरीदी है। फ़िलहाल सोहेल यहाँ पर पूरी तरह से थक चुके थे, तो वो यहाँ पर कॉर्नर में बैठ गए थे। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। यहाँ पे जो है ना, कुछ तो प्लानिंग चल रही है, ये हिना शूट कर रही है। हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भरक भी नहीं थी। शिवा पी आई हुई थी घर पे, और ये भाई साहब कैसे टहल रहे हैं। आई फोन क्या हुई वाली आई उसको तो आज मैं उठी और मैं दो रही हूँ किसके मैं एक्टिंग करनी आपको पता है? उसको देखो ये मैं दोस्त देखे नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। उस दिन ले गए थे ना हाँ वो ब्लिंग ब्लिंग वाला नहीं था। नहीं सच में कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे भी और पत्ती देना चाहिए था ना। हाँ इसमें सैंड ला के डाल दो। हाँ ठीक मिलेगा भी। रात के 9 बज रहे हैं और हम लोगों को मन कर रहा था चाट एंड पानी फुल्की खाने का। तो यहाँ पे हम लोग की पानी फुल्की पार्टी चल रही है। ये मेरा है। राहत का कुछ अलग है। अब वो तो राहत ही जाने क्या लाई है। क्या लाई हो वैसे? मेरी तरफ से पार्टी आज सबको। मेरी तरफ से तुम लोगों को पार्टी आ जाओ आ जाओ। थोड़ा मैं अपना दिखाती हूँ। अब गेस करो चाउमीन है। कैसे आपको पता चला? चाउमीन है सही में। ये डब्बे पे लगा था ना थोड़ा सा। रात की चाउमीन ये तो हर घर में होता है गाइस। इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल। हमको भी अपना चाट देना पहले। हम लोग ये खा रहे हैं उसके बाद खाएंगे। अरे एकदम गिण के यहाँ पे फुल्की का बंटवारा हो चुका है और अब बस स्टार्ट हो गया है खाना। मेरे को कम मिला है गिन लेती हूँ। यही गिन रही थी सबका, गिन रही थी कि सबने ज्यादा लिया है कि हमको कम दिया। हाय शादे उधर आओ। आजा फोन देखकर भागने लग गया। इतनी रात में क्या हुआ? बुला दिया। क्या हुआ? अच्छा तो निकालो अंकल। अच्छा नहीं 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 निकाल दो। बिल्ली 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 आई है।
बराबर करवा दी है, मतलब बड़ा बड़ा हो गया था। फोन तुम हटाओ, इसकी वीडियो बना। क्या बोल रहे? नहीं पहले कैंची से बड़ा बड़ा बाल था जो कान के तब। इनकी गाय भाई साहब की हेयर स्टाइल देखिए, अच्छा लग रहा। शादी की न्यू न्यू हेयर स्टाइल। मेरी मुंडी खुली है। हाय गाइस, हाय, हेलो। घर में शांति है, बच्चा सो रहा है, शाहजहाँ सो रहा है, और अभी चल रहा है हम लोगों का फोटोशूट। हमने सोचा मॉडल जब खुद घर में हैं दो ऑलरेडी, राहत को उतना हम करना नहीं चाहते क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, तो हम नहीं चाहते कि उतना कुछ उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करें ताकि वो अपने वेडिंग डे वाले दिन कॉमन कॉमन सा लगे उसके ऊपर। इसलिए हिना अभी फ्री थी, शाहजहाँ सो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों कोई ना कोई लुक जो है वो शूट करते हैं इंस्टा के लिए, इंस्टा पेज के लिए। अगर आपको मेरा इंस्टा पेज नहीं पता है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे मेकओवर्स ऑफिशियल, या तान्याज़ मेकओवर भी आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। तो जाइए वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मेकअप की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी मेरे क्लाइंट्स की। तो अभी गई है हिना चेंज करने के लिए, हम लोग को जो भी हिना हिना रुक जाओ, याद आ गया एक चीज़ और। तो यहाँ पे जो है हमारा मेकअप वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सिंपल और सेटल सा रखा है हमने, आई मेकअप भी और फुल फेस मेकअप भी। तो बस इसके बाद हम लोगों का जो वीडियो और फोटोज़ वगैरह थोड़ा बहुत शूट होना है, और एक दो रील्स है जो हमने सेव करके रखी है, उसके जैसा कुछ क्रिएट करना है। वैसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो प्रोफेशनल लोग करते हैं, बट हमसे जितना हो सकेगा हम उतना ट्राई करेंगे अपने लेवल पर। ये डिजाइन में देखनी चाहिए। अरे मैं सूट की डिजाइन देखनी चाहिए। क्लाइंट के साथ साथ मॉडल भी हमको ऐसे ही। ये कैसा आ रहा है राहुल? अच्छा आ रहा है अभी से, इधर साइड से बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं हुक्का लेने के लिए। सुहेल को सडनली शॉक चढ़ा है हुक्के का, और घर में हिना रात बड़ी खुश हो गई सुनकर कि हुक्का लेने जा रहे हैं सुहेल। वेस्ट ऑफ मनी, चलिए चलते हैं देखते हैं कहाँ मिलता है, कैसा मिलता है, क्या क्या वैरायटीज़ हैं, क्या क्या प्राइजेज हैं। सबसे सस्ता होगा ना वही वाला लेंगे। तो भाई उस समय स्कूटी स्टार्ट ना होने की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे। अभी हम लोग शाम में जो है रात ही है, ऑलमोस्ट रात को निकले हैं लेने के लिए, पहुंच भी गए हैं उस जगह, बस अभी शॉप ढूंढते हैं। और ये शॉप हमें मिल गई थी, यहाँ पे बहुत सारे हुक्का थे और बहुत महंगे महंगे भी थे, बट जैसा कि हमने बोला कि वेस्ट ऑफ मनी है, सिर्फ शौक के लिए ज़्यादा पैसे नहीं वेस्ट करना। तो जो सबसे सस्ता था वो हमने लिया था, आई थिंक 350 या 400 का था, टोटल मिला के अप्रॉक्स 500 समथिंग हो गया था। तो गाइज ये रहा हमारा हुक्का, हमारा नहीं सिर्फ स्वेल का और हिना रात का। आइए, और ये तो रहा फ्लेवर जो कि आप देख लीजिए नॉन टबैको है। आइए शाहजहाँ आपसे मिलाते हैं आपको। बेटा कैप क्यों निकली है आपकी? अभी निकाल के कैप क्यों फेंक दिया तुमने? हाँ चलो हम तो आ गए, कैप क्यों फेंक दिया? कैप लगाओ, कैप लगाओ, कैप। ये बहुत बहुत ज्यादा जाओ चलो। शादर शादर उतार देंगे इसको, लेकिन गिरा दो। चलो चले, चलो चले, आ जाओ, आओ हाथ दो दोस्त, जाओ बाय बाय। चलो दोस्त बाय शाहजहाँ, बाय। शाहजहाँ जा रहा है हुक्का पार्टी करने, तुम लोग जो है ना सो जाओ, ठीक है? चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस बेटा बाय हो गया, हम लोग आ गए। हाँ उसी में ड्रॉअर खोलो, कुछ छूना नहीं है शाहजहाँ, शाहजहाँ कुछ छूना नहीं है, नो
हाँ ये ले सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं बेटा। नो 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 नो, यहाँ से देखेंगे ना हम लोग, यहाँ बैठते हैं ना। चलो आजा कम, यहाँ बैठते हैं ना हम लोग। ओ गंदा बच्चा शाहजहर, गंदा बच्चा। चलो लगाओ कैप। ये देखो, हाय करो, हाय हाय। बच्चों की वीडियो देख के बहुत हंसता है, अपनी वीडियो देखो। डोंट नाना क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है शाहजहर? ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्या हो रहा है शाहजहर? ओह माय गॉड, मुंह तो बंद करो अंकल, अंकल मुंह तो बंद करो, अंकल मुंह तो बंद करो, अंकल ओए अंकल। चलो गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय। अम्मी जल्दी, कुछ हो रहा था यहाँ पे गाइस, कितना अच्छे से वो जैसे लग रहा था वो लाइट जल रही। बस शाहजहर का हुक्का चल रहा है, सिर्फ पाइप है विदाउट। ये क्या है? निकला लकड़ी निकली, ये खेली निकली। क्या कर लेके जा रहा है? इसमें ना चूहा घुस गया है गाइस, जो पहले से अंदर ही था, अंदर ही था ये रहा। देखिए ये बन रहा था, ये इधर ये दीवार है और हमारे घर पे पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा चूहा आ गया था, तो बस हम लोग उसी के पीछे लगे थे कि उसे ढूंढ कर निकालना है, अदरवाइज बहुत नुकसान कर देता है वो, लेकिन वो भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब तक खींच सके यहीं से। भाई बाथरूम ठंडा ठंडा लग रहा है ना, एक बार कर सच में ऐसा लग रहा है पान खा रहे हैं। जब तक आपकी दम वो ना होने लगे, सांस ना फूलने लगे, खींचते रहिए। वाह वाह एकदम उक्का मार। साहिल पता नहीं व्लॉग देखता है कि नहीं, साहिल बट वी मिस यू। आई तो मिस यू, वी का नहीं पता है। हाँ। वो दे का नहीं पता। मोर लाइट रिक्वायर्ड फ्लैश माय मे हेल्प। साथ में नाचेगा कुछ स्टेप कर रहे रात अब रुला दो उसको। पता सेंटा क्लॉस की टोपी मिल रही थी छोटी छोटी, लेकिन गुनाह पड़ता है ना, मिल ले यार तो ठंडा लगेगा। ये खुद ही करके फिर मन कर रहा ऐसा बच्चे का हरासा। हाँ यही बोलते हैं, यही बोलते हैं बच्चे का हरासा। मारो शाजे, मारो काला को, काला नहीं होता, खाला बोली है वो, खाला बोले हैं मेरी। आ वीडियो बन रही है दंग वाला करना। एनुअल फंक्शन है गाइस। चलो चलो टोपी ठीक करो, उधर उधर देख, उधर देख, उधर देख, कर ऐसे आओ। तुम रात आईज वाला करो एक बार, कुछ करो जो तुमको फॉलो करे। सॉरी उसकी आंख खोलो, मत अब दी कोई उखाड़ लेगा क्या? बताइए गाइस आप लोग क्या कुछ उखाड़ पाएंगे? नहीं उखाड़ पाएंगे ना गाइस, क्योंकि कुछ बैठे नहीं चाहते। अरे गाइस
धुआं डाल दीजिएगा ऐसे ना, पहले भी हमारे से ऐसा ही एडिट करिएगा। और धुआं कहाँ से बनाएंगे हम, उसमें स्मोक रहता है ना। छल्ला डाल दी। राहत राहत तुम शादाब की डबिंग करो। क्या बोले? आज मैं ये फोन तोड़ दूंगा, आज मैं ये फोन तोड़ दूंगा। ए नहीं शादाब, मेरी और मिन्नतें करो वरना मैं फोन तोड़ दूंगा। दे दो बेटा दे दो, सर पटक पटक के माफी मांगो मुझसे वरना मैं फोन तोड़ दूंगा। आ जा ना, मैं तो वरना तोड़ दूंगा। दे ना, नहीं दूंगा मैं। अच्छा ठीक है दे देता हूँ, चलो नानी है ना। हम साथ जाके पीछे से वो म्यूजिक वॉइस चेंज कर देंगे जैसे वो हम आए। तो गाइस हमने सोचा ना कि अब वीडियो की एंड लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और होप वीडियो में ना आपको बड़ा फन देखने को मिला होगा, आप ज़रूर हंसे होंगे। तो अभी जो है ना ये लास्ट का जो है, हमने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में हम आपको जो भी हमने शॉपिंग की वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फटाफट से जो थोड़ी छोटी मोटी जो शॉपिंग हमने की है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले ना ये हमने शॉपिंग ही हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, लेकिन जो हमने कुर्ता ख़रीदा था ना वो कॉट सेट था, वो थोड़ा शॉर्ट आ रहा था तो मेरे घर में लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसलिए हमने हुमैरा को दे दिया वो। और फिर उसके बाद हमने जब हम हुमैरा को ड्रेस दिलाने गए थे, आपने देखा होगा, तो उस दिन हुमैरा ने तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन हमने अपने लिए ये ड्रेस ले लिया था जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है। आलिया इसका जो पैटर्न है ना ये हमें बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले नायरा भी आया था, वो हमें उतना कुछ खास पसंद नहीं था इसलिए हमने ट्राई भी नहीं किया, बट ये जो इसका ऊपर का जो पैटर्न है ना ये वाला, बहुत हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी देते हैं, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए हमने ये तुरंत फाइनल नहीं किया था, हमने थोड़ा सोचा, फिर हम लोग चौक गए थे याद होगा आपको, फिर हम लोग चौक से वापस आए तो हमने ये फाइनली ले लिया। ये इसके साथ ये पैंट्स है और ये दुपट्टा। नेक्स्ट जो है ना, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि शॉर्ट वीडियो में कि हम शबाना फूफू के साथ गए थे शॉपिंग के लिए, तो पैंटालून से हमने एक ये लिया था वेलवेट का कुर्ता जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लुक एट दिस, ये था कुर्ता, बहुत ही प्यारा है ये, और इसके नेक में है और ये स्लीव्स में और वेलवेट पे है। इसका वेलवेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बड़ा मज़ेदार फैब्रिक है ये, और पहनने पे भी ना कलर भी तो इसका इतना प्यारा है और पहनने पे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये। नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट शॉपिंग जो थी वो हमने की थी रिलायंस और मैक्स दोनों मिक्स है इसमें, वो नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े हैं। तो सबसे पहले ये हमने कुर्ता लिया था, ये हम जब सुहेल जा रहे थे ना शादी के टाइम पे शॉपिंग करने, सुहेल अपनी शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ से हमने ये कुर्ता अपने लिए ले लिया था जो कि डेली वेयर के लिए है। और फिर उसके बाद आप शायद इसी व्लॉग में देख रहे होंगे ना, इससे पहले वाले व्लॉग में आप देख चुके हैं, हम गए थे मैक्स, आपको बताया था कि हमने वहाँ पे सेल है। एक्चुअली क्या होता है ना ये सब मॉल में जो है ना कपड़े अच्छे मिलते हैं तो सेल का आपको इंतज़ार करना चाहिए, सेल में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जो ओरिजिनल प्राइसेस रहती हैं उससे काफ़ी कम में मिल जाता है। तो ये हमने एक ये कुर्ता लिया अपने लिए जो कि इसका साइज़ नहीं था बट हमें अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा बहुत वैसे भी हम लूज़ पहनते हैं तो थोड़ा बहुत अल्टरनेट करवा लेंगे अम्मी से, तो ये हो जाएगा मेरा। और नेक्स्ट ये था ये कुर्ता,
ये भी डेली वेयर के लिए, सिर्फ ऊपर का अभी बॉटम वगैरह कुछ भी नहीं लिया है हमने। और हाँ, और लिया था हमने ये शूज़ जिसमें का हम अभी पिंक पहन रहे थे और ये ग्रे शेड में था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और नेक्स्ट जो थी वो ये स्लीपर थी जो कि हमने जूडियो से लिया था। ये जो हमने कॉर्सेट खरीदा था ना उसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसका जा रहा था, बट फिलहाल तो कॉर्सेट नहीं रहा, ये स्लीपर है। ये हमने आपको बताया जूडियो से ली थी और काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें मिल गई थी। वहाँ पर स्लीपर्स के कलेक्शन काफ़ी अच्छे रहते हैं, आपने नहीं लिया है तो जाकर ले सकते। तो बस ये थी मेरी पूरी शॉपिंग, होप आपको पसंद आया होगा। हम लेते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, हमें ध्यान नहीं था कि आपके साथ शेयर भी करना है, तो आज फाइनली हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इस व्लॉग को भी यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।